तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भीषण जल संकट से जूझ रही है। हालात यहाँ यह है कि जहाँ एक ओर आईटी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहना पड़ रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में टोकन देकर पानी बांटा जा रहा है। पानी की किल्लत से शहर के स्कूल भी जूझ रहे हैं। पानी का खर्च कम करने के लिए कई निजी स्कूलों को बंद करना पड़ा है। वहीं कई होटलों ने दोपहर का खाना देना बंद कर दिया है। बात जब पानी की हो तो इसका राजनीतिक तूल पकड़ना लाजमी है। तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके ने पानी की किल्लत के लिए ई पलानी स्वामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। डीएमके पूरे राज्य में 22 जून को इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी ने कहा है कि मॉनसून में देरी और भूजल में गिरावट की वजह से कई क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से इस समस्या पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पानी के कमी के कारण बीते दिनों तमिलनाडु के कई हिस्सों में हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी। पानी की बचत के लिए चेन्नई मेट्रो की एसी को भी बंद कर दिया गया था। कई जलाशय पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब ऐसे में चेन्नई की जनता और सरकार को मॉनसून आने तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।